Hello guys, welcome back to the channel again. This is me Kyonisoki and you're watching MSD Blogs. Today once again I'm going to make a reaction video. आप अगर YouTube पे एक्टिव रहते हैं तो आपने इस वक्त एक मूवी का ट्रेलर जरूर देखा रहेगा. उस मूवी का नाम है अनेक, जो कि हमारे अपकमिंग इंडियन फिल्म है. एंड ये मूवी पूरी तरीके से बेस्ड है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सोशियो पॉलिटिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स के ऊपर. एंड इस मूवी में और एक इंटरेस्टिंग की बात यह है कि इस मूवी में आयुष्मान खुराना जी के साथ हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक सिस्टर जिनका नाम है आंड्रिया केबिचुसा एंड शी इज़ बिलोंग फ्रॉम द ब्यूटीफुल स्टेट नागालैंड. एंड ये हम सब के लिए एक प्राउड की बात है, हम जितने भी नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए. एंड दिस वीडियो इज़ गोना बी अमेजिंग और नॉट मुझे नहीं पता, बिकॉज ऑनेस्टली आई एम सेइंग दैट कि मुझे रिएक्शन करना ही नहीं आता. रिएक्शन वीडियो तो मैं कई बार बना लेता हूँ, बट ये मूवी का जो ट्रेलर है ये मूवी बनने वाला है हमारे पूरी नॉर्थ ईस्ट के ऊपर. सो इस मूवी का जो ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाते हुए मुझे काफ़ी खुशी होगी. सो चलिए हम पहले इस मूवी का ट्रेलर को देख लेते हैं एक साथ, उसके बाद मैं कुछ रिव्यू दूंगा. चलिए कोशिश करते हैं हम साथ मिलके. तो दिस इज इंडिया. इंडिया कितना अच्छा लगता है आवाज सुन के. इंडिया इंडिया, मैं इसी इंडिया की सुरक्षा के लिए काम करता हूँ. अच्छा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. चलो सही है. नॉर्थ ईस्ट मतलब वेस्ट बंगाल के पूर्वी साइड वाला इंडिया. मिशन था टाइगर सांगा और इंडियन गवर्नमेंट के बीच शांति समझौता करवाने में मदद करना. पार्लर वाली है हाँ? ये पार्लर है. अगर आइडियो को भी टीम में ले लेते हैं तो ये टीम जो है इंडियन बनेगी या चाइनीज? हमको चिंकी बुलाते हैं. We did not want India here. नॉर्थ ईस्ट में 30 से 40 एक्टिव अलगाववादी ग्रुप्स थे. अचानक एक ग्रुप ज्यादा एक्टिव हो गया, जॉनसन. सच सच बताओ किसके लिए हथियार मंगवा रहे हो? रिसर्च लो, ये बाहर निकाल लूंगा. जहाँ से खुद निकलना नहीं आता वहाँ जाता नहीं मैं. पापा बोलता है हम लोग इंडियन नहीं है, इसीलिए मुझे इंडिया की टीम के लिए खेलना है. मैं तेरी फाइट के लिए चेयर नहीं कर सकता, तुम मेरे फाइट के लिए चेयर नहीं कर सकती. हम सब ऐसे ट्रेजेडी में रहते हैं. How beautiful she is. पोस्टर लगे हैं इसके सपोर्ट में, पीस अकॉर्ड के अगेंस्ट. इसको रोकना होगा टाइगर सांगा. बाकी सारे ग्रुप से बात हो चुकी है हमारी, अभी जॉनसन. डिस्ट्रॉय द होल ग्रुप. जॉनसन कौन? आई डोंट नो. जॉनसन लोगों की आवाज को रिप्रेजेंट करता है. दे आर द पीपल्स वॉइस. पीपल्स वॉइस 5 साल में एक बार सुनी जा सकती, रोज रोज नहीं सुनी जाएगी. और अगर सुनी जाएगी तो सब जगह, नहीं तो कहीं नहीं. वायलेंस इज नॉट अ सॉल्यूशन, सरेंडर कर दो. अगर इंडिया के मैप से स्टेट्स के नाम छुपा दूं, तो कितने इंडियन हर स्टेट के नाम पे उंगली रख सकते हैं? ये है नॉर्थ ईस्ट. टीवी पे एक मिनिस्टर बोल रहा था त्रिपुरा मिजोरम का कैपिटल है ना, इतना भी नहीं जानते कि दोनों स्टेट्स के नाम है. आप कहाँ से सर? तेलंगाना. साउथ? साउथ क्यों सर? क्योंकि मैं साउथ इंडिया से हूँ. पर तेलंगाना तो तमिलनाडु के नॉर्थ में है सर. पीपल ऑफ तमिलनाडु शुड कॉल यू अ नॉर्थ इंडियन. मे बी. आपको क्या लगता है मैं कहाँ से हूँ सर? नॉर्थ इंडिया. ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि तुम्हारी हिंदी साफ है. तो हिंदी डिसाइड करती है कि कौन नॉर्थ से और कौन साउथ से? नो. सो इट्स नॉट अबाउट हिंदी ईदर. तो कैसे डिसाइड होता है सर? नॉर्थ इंडियन नहीं, साउथ इंडियन नहीं, ईस्ट इंडियन नहीं, वेस्ट इंडियन नहीं, सिर्फ इंडियन कैसे होता है आदमी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पीस किसी को चाहिए ही नहीं, पर ना इतने सालों से एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई. वाह, जीतेगा कौन? हिंदुस्तान. 27 मई 2022. ओके, इस मूवी के ट्रेलर को 3 बार सेटिस्फाई तक देखने के बाद अब मुझे साफ साफ ये तो पता चल रहा है कि ये मूवी किस तरह बनकर तैयार होके थिएटर पे रिलीज होगी. एंड इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ. मैं सबसे पहले देखने को जाऊँगा जब ये मूवी थिएटर पे आएगी. ऐसा हो सकता है कि उस वक्त मेरे पास रुपया पैसा ना हो, बट मैं किसी से उधार ले लूँगा, लोन ले लूँगा, बट मैं पहले दिन ही देखने जाऊँगा इस मूवी को. एंड जैसा कि हमने इस ट्रेलर में देखा और सुना, जो आंड्रिया केबिचुसा है उसके ऊपर एक औरत तपरों से बरसात करते हुए ये सवाल पूछ रहा होता है कि तू फालर वाली से है या नेपालियर से. ये लाइन मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगा. एंड इस लाइन से रिलेटेड मेरे पास कुछ है,
कुछ दिन पहले मेरे वीडियो को देखकर एक भाई ये कमेंट कर रहे थे कि कमेंट के द्वारा मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई आप इंडियन में किस स्टेट से बिलोंग करते हो, आप दिखते एकदम नेपाली की तरह हो। हालांकि मुझे उस भाई के कमेंट से कुछ बुरा नहीं लगा। हाँ, अगर वो नेपाली की जगह कुछ और बोल देता तो शायद मुझे बुरा लगता, बट उसने नेपाली मेंशन करी इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा। हालांकि मुझे बुरा नहीं लगा, बट फॉर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, जो नेपाली है, नेपाली का सिर्फ नेपाल में ही नहीं बल्कि हमारे भारत देश में नेपालियों का भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। ये बात हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, बल्कि लोगों को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। हमारे इंडियन डिफेंस फोर्स में एक फोर्स है जिनका नाम है गोरखा बटालियन, यानी कि गोरखा रेजिमेंट। इस नाम को आपने ज़रूर सुना रहेगा कभी ना कभी। एंड इस फोर्स को हमारे इंडियन डिफेंस फोर्स में काफ़ी स्पेशल फोर्स माना जाता है। हिटलर ने भी जिक्र किया था कि अगर उसके पास गोरखा रेजिमेंट जैसा आर्मी हो, गोरखा बटालियन जैसा फौज हो, तो वो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेता। सो ये हम इंडियन वालों के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि हमारे नेपाली भाइयों के द्वारा गोरखा रेजिमेंट जैसा फोर्स हमारे इंडियन डिफेंस फोर्स में मौजूद है। सो ऐसा कई सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ हमारे नेपाली भाइयों का योगदान है। जैसा आप सिक्किम में चले जाइए, दार्जिलिंग में चले जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए, वो इतने खूबसूरत खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन जगह है, हमारे नेपाली भाइयों ने काफ़ी खूबसूरत तरीके से बसा के रखा हुआ है इन स्टेट्स को। और भी कई सारे स्टेट्स में हमारे नेपाली भाई लोग, जो भाई बहन लोग, काफ़ी खूबसूरत तरीके से हमारे देश का जो खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। यू नो कि हम जैसा ट्राइबल लोग, बुद्धिस्ट लोग, नेपाली लोग जहाँ भी रहते हैं, वो लोग प्रकृति से घिरे हुए होते हैं। एंड उन लोगों का जो जगह है वो काफ़ी खूबसूरत रहता है। ये आप खुद भी जांच किए होंगे कई बार, जहाँ नेपाली रहते हैं, जहाँ बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, वो जगह काफ़ी खूबसूरत रहता है। एंड ये मैं तो मान चुका हूँ, पता नहीं आप कितने तक मानते हो, बट आप नहीं मानते तो कभी सिक्किम चले जाइए, दार्जिलिंग चले जाइए, उत्तराखंड जैसे जगह में चले जाइए, हमारे अरुणाचल जैसे जगह में आइए, तब आपको पता चलेगा कि हम लोग कितने खूबसूरत तरीके से रहते हैं बाकी जगह के कंपेयर में। और कई सालों से हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हमारे बाकी इंडियन के भाइयों बहनों से काफ़ी सारा रेसिज्म कमेंट सुनने को मिलता आया है, और आज भी कई कई जगह पे सुनने को मिलता है। जैसा ही हम नॉर्थ ईस्ट वाले लोग बाहर पढ़ने के लिए कुछ जॉब के पर्पज़ से जाते हैं, जैसा ही नॉर्थ ईस्ट के बाहर चले जाते हैं, तो हमें काफ़ी रेसिस्ट लोगों का सामना करना पड़ता है, रेसिज्म कमेंट का सामना करना पड़ता है, चाइनीज़, चिंगिश, ऐसा काफ़ी कह के रेसिज्म कमेंट किया जाता है जो रेसिस्ट लोग हैं। सो हालांकि आज के डेट पे थोड़ा कम हो गया एज़ पर कंपेयर टू जैसा पहले काफ़ी सारा होता था, कुछ कुछ घटना भी काफ़ी हुआ है। सो आज के डेट पे थोड़ा कम हो गया, बिकॉज़ हमारे कई सारे इंडियन भाइयों बहनों को ये पता चल चुका है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारे इंडियन का एक इम्पोर्टेंट एंड काफ़ी खूबसूरत हिस्सा है, ये ना हो तो हमारा इंडिया अधूरा है, ऐसा काफ़ी सारे लोग भी जान चुके हैं। सो दैट्स वाई इस अनेक मूवी के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा जी एंड ऑल द टीम ऑफ दिस मूवी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल ट्रेलर, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल अपकमिंग मूवी विच इज़ बेस्ड ऑन अस, विच इज़ बेस्ड ऑन आवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया सोशियो पोलिटिकल एंड जियो पोलिटिकल। एंड मुझे अच्छी तरीके से पता है ये जो आप लोगों का अपकमिंग मूवी है, इसे हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में धमाकेदार तरीके से रेस्पॉन्स किया जाएगा। एंड इस वक्त जितने भी बाहर स्टेट से मेरे इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, आप सब भी जैसे कि इस ट्रेलर में देखा रहेगा, आयुष्मान खुराना जी कहता है कि नॉर्थ इंडिया नहीं, वेस्ट इंडिया नहीं, साउथ इंडिया नहीं, ईस्ट इंडिया नहीं, असली इंडियन होता कैसे है इंसान। सो देखिए, हालांकि हमारे जो इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी के कारण हम अपने आप को नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया ऐसा कहते हैं, बट सही में देखा जाए तो हम सब एक ही माँ के बच्चे हैं, हम सब सिर्फ इंडियन है। तो चलो सभी इंडियन वाले मिलकर इस मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाते हैं, और अब तक जो रेसिस्ट लोग मौजूद है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में रेसिज्म कमेंट करते हैं, उनको कुछ पता नहीं है हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, उन लोगों को बता देते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी एक इम्पोर्टेंट एंड ब्यूटीफुल हिस्सा है, हमारे जो इंडियन के, हमारे भारत देश के काफ़ी मशहूर सा एक हिस्सा है। सो ये चीज़ हम बता देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, एंड इस वीडियो में अगर कुछ गलत बोला तो अपने भाई समझकर माफ कर दीजिए। बाहर देश के बारे में, विदेश के बारे में कितने जानकारी इकट्ठे करोगे इस मूवी को देखकर, अपने देश के बारे में भी कुछ जान लो, हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी कुछ जान लो। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, टेक केयर। जीतेगा कौन? हिंदुस्तान।